जय गुरुदेव जी, जय महर्षि। आज हम एक और प्रॉब्लम ले रहे हैं लूकस का। ये 8-9 क्लास में हम इसको पढ़ा सकते हैं या इसका हम डेमॉन्स्ट्रेशन तो एटलीस्ट दिखा सकते हैं ताकि बच्चों को अवेयरनेस क्रिएट हो जाए और थोड़ा सा बेस लूकस के बारे में जानकारी मिल जाए। अब ये देखिए क्या है लोकस ऑफ ए पॉइंट पी, यहाँ पी पॉइंट है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ए। एक फिक्स पॉइंट है और ये पी पॉइंट कुछ मूविंग पॉइंट है। अब ये क्या कह रहे, ये डिस्टेंस फिक्स है, ये डिस्टेंस अधिक नहीं हो सकता। मान लो आपने यहाँ पर एक खूंटी गाड़ रखी है और एक उससे यहाँ पर पॉइंट पी पर एक हार्स को आपने बांध रखा है और उसको पूरे डिस्टेंस मतलब पूरे खींच के रस्सी से, जो रस्सी ये है आपको समझ लीजिए, रस्सी को पूरी खींची रहे वो, मतलब ढीली ना हो रस्सी, और उस हार्स को मूव किया जाए तो किस क्या फॉर्मेशन बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी या क्या होगा, ये हमने हमें ये देखना है यहाँ पर आज एनिमेशन की मेथड से। आप गेस कर सकते हैं थोड़ा, हाँ अगर ये देखो ये क्या हो रहा है, हाँ अब इस पॉइंट को देखें तो क्या आया, पी पी और ये पी वन ले लिया, हम मेनी केसेस ले सकते हैं, हम दो ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि लंबा और इजी चीज़ है आपको समझ में आ जाए। ये यहाँ पर हमने लिया और ये इस केस में अगर ले तो ये ऐसा आएगा, तो क्या बन रहा है आपका सर्कल बन रहा है, है ना। अब ये देखिए हम इस पॉइंट इसको एनिमेशन में डालते हैं, इस पॉइंट पी को, हाँ पी को देख वो कैसे रोटेट हो रहा, कैसे ये डिस्टेंस, मतलब आप जो अभी हमने बताया कि हार्स है यहाँ पर कंसीडर और ये रोप से बंधा है और रोप शुड बी टाइट और ये फिक्स पॉइंट है, ए इज अ फिक्स पॉइंट। इसका मूवमेंट से जो ट्रेस होगा वो क्या होगा ये देखें, थोड़ा सा आपको दिख रहा है, इसमें हमने उसको लाइट कर दिया है ऐसे कि जब हम कर्सर ले जाए तभी दिखे, अदरवाइज ना दिखे। इस केस में हमने थोड़ा सा ऐसा नहीं कि रखा है, इसको पूरा विजिबल दिखा दिया है, हाँ कर सकते थे उसको भी हम, मगर हमने आप टाइम बचाने के लिए ऐसा किया, बड़ा वीडियो हो जाएगा। अब देखिए हम एनिमेशन डाल रहे हैं और ट्रेस भी डाल रहे हैं पी वन पे, अभी हमने डाल किया, हाँ तो पी वन की देखिए यहाँ पर ये इसके जो है ना पी वन के कोऑर्डिनेट चेंज होते जा रहा है और ये जो ट्रेस करके ये ट्रेस भी डाल रहा है एनिमेशन के साथ, ट्रेस ऑन कर दिया हमने, तो इससे कि ट्रेस होके क्या हमारे पास आ गया, आप देख रहे हैं एक सर्कल बन गया। तो सर्कल कितना बड़ा सर्कल, आर उसकी रेडियस क्या होगी, क्योंकि सर्कल का तो सेंटर ये हो गया और रेडियस क्या होगी, ए पी वन विल बी द रेडियस। अब सपोज आप अपने जो कंपास है उससे आप एक सर्कल बना रहे हैं, ये विधि तो आप अपनाते हैं, तो बस वही है, आप समझ लीजिए कि ये वही है। अब हम इसको स्टॉप कर देते हैं, अब इसका एनिमेशन हम अभी, हाँ ये दूसरी ले लिया, ये बंद करते हैं, इसका एनिमेशन डालते हैं, इसका एनिमेशन ऑन करते हैं। अब दोनों का हो गया भाई, हाँ इसका हमने पी का पी वन का बंद कर दिया, अब सिर्फ पी का एनिमेशन है, ये ग्रीन से आपका एक सर्कल आ रहा है और ये डिफरेंट पोजीशन पे वो पॉइंट बनाते जा रहा है, ट्रेस करते जा रहा है, तो ट्रेस ऑन है इसमें, एनिमेशन भी ऑन है फॉर पॉइंट पी। पहले हमने किस क्या किया था, पॉइंट पी वन के लिए एनिमेशन भी था और ये भी था। ये देखिए अभी पी का है, इसको बंद करके हम ये बंद कर दिया हमने, अब
पी बन के एनिमेशन को, अच्छा वही आ रहा है ये, अब इसका एनिमेशन ऑन करते हैं। अब दोनों का हो गया भाई। हाँ इसका चेक कर दिया हमने पी का, अब पी वन का हमारा चल रहा है एनिमेशन। तो ये थोड़ा आपके बाहर भी आ रहा है, ये देखिए अभी का कंडीशन। नहीं वो तो बहुत बाहर चला गया। अब इसमें देखिए ये हमारा इधर थोड़ा आपका कट रहा होगा, प्लीज बियर विथ मी। अब हम इसका एनिमेशन बंद करते हैं और इस पॉइंट का एनिमेशन चालू करते हैं पी पी का। अब ये हमारा क्लियरली विजिबल है, ये देखिए थोड़ा सा इधर हटा के ले लेते हैं, पूरा दिखेगा आपका। अब हम इस पॉइंट को एनिमेशन में डालते हैं, अब ये देखिए। तो ये इस कंडीशन में जो हमारा लोकस है, और लोकस क्या हो गया, लोकस ऑफ ए पॉइंट पी आर पी वन इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ए इन द प्लेन। इट डिपेंड्स, बड़ा सर्किल बनेगा या छोटा सर्किल बनेगा, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। रेडियस अगर बड़ी होगी तो बड़ा सर्किल बनेगा, छोटी रेडियस होगी तो छोटा सर्किल बनेगा। हाँ आप और डिफरेंट कंडीशन से डिफरेंट रेडियस लेके हम बना सकते हैं। हमने यहाँ ये ले लेते हैं, एक सर्किल और बनाते हैं, ये हमारा ये आ गया एक तीसरा सर्कल अगर हम ये लें, ये भी, और इनके एनिमेशन बंद करते हैं। अब ट्रेस भी बंद किया, इसका भी ट्रेस बंद करते हैं और इस पर एक कोई पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट पी टू को हम एनिमेशन में डालते हैं, ट्रेसिंग और एनिमेशन दोनों में डालते हैं पी टू। ओहो पी थ्री आ रहा है, पी थ्री तो इसी पे हो गए, टू ये, अब ये देखिए इसका हम इसमें पी में ट्रेस भी डाल देते हैं। ये हमारा पॉइंट, ये थोड़ा ग्रीन थिक सर्कल बन गया, हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं अभी, और
ये कलर दे दिया, अब ये हमारा तीनों ही सर्कल, ये तीसरी मतलब हमारी ये रेडियस 2.5 अब हमने ले ली है, ये 3 थी ये 4 थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये लोकस क्या होगा, लोकस ऑफ पॉइंट पी विच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ए इन ए प्लेन इज ए सर्कल। हाँ, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल क्या होगा, ये इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कल। आशा है आपको ये समझ में आया होगा और आप इसका उपयोग अपने ज्योमेट्री में करिए। आपको शुभकामनाएं सीखने के लिए हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।